एंड वेलकम टू आउटस्टाइल। मोस्ट डिमांडेड वीडियो आज जो मुझसे आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आप बताएं घर में कलर करते हैं तो कितने का खर्चा आता है, अगर हम सैलून ना जाना चाहें तो तरीका क्या है, कौन सा कलर बेस्ट है। मार्केट में सर बहुत सारे कलर्स हैं, इम्पोर्टेड हैं, लोकल हैं, विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, मैंने लॉरियल एक्सलेंस भी यूज़ किया, मुझे लगा उससे मेरे बाल ज़्यादा लाइट हो गए। बहुत ट्रिकी है मेरे बाल, बहुत ट्रिकी। एक तो फाइन हेयर है, ऊपर से ये कि मेरे बाल ऑलरेडी कलर हुए हुए भी हैं, तो मुझे होता है कि मेरे बालों में एश टोन रहे, ऑरेंज ना है। और जो कि हमारे एशियन बालों के साथ होता है कि ऑरेंज पिगमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए ऑरेंज आप कोई भी कलर कराएं बाद में वो ऑरेंज ही हो जाता है, तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट ऑरेंज टोन। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट बाल नहीं है इसलिए मैं ग्रे कवरेज या इस तरह के लिए तो नहीं यूज़ करी, जस्ट टू गेट अ नाइस कलर। सैलून जाने का एक मसला है कि बहुत टाइम लगता है, मैं जब जाती हूँ फिर मुझसे सब फ्रेंड्स सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं वीडियो बनाऊँ, प्रमोशन करूँ, कुछ ना कुछ, उसमें मेरे 4-5 घंटे कहीं नहीं जाते। हाउ टू कलर योर हेयर एट होम फॉर एज चीप एज 550 रुपीज। अगर तो बाल छोटे हैं तो एक बॉटल में काम चल जाएगा, अगर बाल मेरी लेंथ के हैं तो यू नीड 2 बॉटल्स, मुझसे ज़्यादा लंबे हैं तो मे बी शायद 3, लेकिन मिनिमम 1 बॉटल तो आपको वेन पैक चाहिए ही होगा। और हमने इसको कॉस्ट इसकी लो रखनी है। बालों का कलर जो है क्या है अभी वो मैं आपको दिखा रही हूँ सनलाइट में, प्लस नेचुरल इंडोर लाइट में, बिफोर कलर एंड आफ्टर, ताकि आप कंपेयर कर सकें। अभी यू लुक एट माई हेयर, चेक इट आउट इन द सनलाइट, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। ये बिफोर कलर बाल हैं, इसमें आप चेक कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम लाइट चेंज करते हैं, वी गो इनटू शेड जिसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, ऐसे ना लुक एट द कलर। ये जो कलर अभी आप देख रहे हैं, मैंने ये लॉरियल एक्सलेंस किया था, था ये एश, लाइट एश, लेकिन बालों में मेरे ऑरेंज आ गए, सो आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। फैसे को तो बहुत ही बुरे लगे, मैंने कहा फौरन इसको ठीक करो, एश की टोन में थोड़ा सा डार्क रहना चाहिए, दिस इज ऑरेंज एज यू कैन सी। और आप ये देखें कि ये अंदर की लाइट में कितना ऑरेंज लग रहा है, बाहर इतना नहीं लग रहा था, अंदर कितना लग रहा है घर में। दिस वन गार्नियर कलर नेचुरल क्रीम है, इसमें शेड मैं यूज कर रही हूँ एशी लाइट ब्राउन विच आई हैव यूज बिफोर। और देखिए ऐसे ऐसा मुझे चाहिए कलर, मुझे ऑनेस्टली ऐसा कलर चाहिए लाइक दिस। अभी मेरे बालों में ऑरेंज है, सो वी हैव टू कंपेयर दिस आफ्टर एंड बिफोर। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। और ये इस बॉक्स में क्या है, हेयर क्रीम, कंडीशनर जो बाद में यूज करेंगे, एंड द डिवेलपर क्रीम, और साथ में मैनुअल है फॉर इंस्ट्रक्शन कैसे करना है। आप अपना सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें, पैच टेस्ट कर लें, देख लें थोड़े से एरिया पे लगा के कोई आपको स्कैल्प में इरिटेशन तो नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करके इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके थोड़ा सा पैच टेस्ट कर सकते हो। इसको आप अप्लाई करके 48 आवर्स में देखें अगर कोई आपको एलर्जी रिएक्शन तो नहीं हुआ, अगर नहीं है देन इट इज सेफ फॉर यूज, तो यू मस्ट डू द एलर्जी टेस्ट फर्स्ट। ओके, इसकी एप्लीकेशन इज वेरी इजी, जो मैंने भी पढ़ी है मुझे समझ आई है कि आपको एक नॉन मेटालिक बोल में इसमें नॉन मेटालिक स्पून लेके आपको फुल जो है इसमें, ये नहीं कि थोड़ा भी यूज कर लो थोड़ा बाद में, होता ही कम है, तो छोटे बाल भी हो तो एक पूरा सेट आप यूज कर लो, यू विल यूज द क्या कहते हैं इंटायर कॉन्टेंट्स ऑफ द क्रीम डिवेलपर, और इससे आप इसको मिक्स करेंगे
इसमें जो एक कलर है कलर क्रीम है, मिक्स इट, अप्लाई ऑन द हेयर, फिर ऊपर बंद कर देंगे हम इसको और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद वी विल वॉश इट। अगर कोई एक्सट्रीम आपको कोई एलर्जी रिएक्शन लगता है देन यू नीड टू स्टॉप एंड वॉश राइट अवे, बट इसलिए ज़रूरी है कि एलर्जी टेस्ट पहले आप कर लें। तो ये जो बाल है मेरे ऑरेंजी ये कुछ बदलने वाले, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा एंड यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल, वीडियो देखते रहें, स्किप ना करें कि कोई प्रोसेस, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। वॉच द वीडियो कंप्लीट विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट एंड लर्न हाउ यू कैन कलर योर हेयर फॉर एज लो एज सस्ता एज 550 रुपए। टाइम बचाएं, पैसा बचाएं, मजे का रिजल्ट आएगा, दिखाते हैं आपको। बट वही बात है कि सीइंग इज बिलीविंग। तो ये ऑरेंज जो मेरा लॉरियल एक्सेलेंस से आया है, इसको हम देख रहे हैं कि इस शेड से और इस प्रोडक्ट से कैसे बेहतर हो जाता है। सो बी ऑनेस्ट, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा। ऑनेस्टली फैसल तो वैसे सबसे सच्चे हैं, खरे हैं, छोड़ते ही नहीं, ऐसे बेइज्जती कर देते हैं ना मियां मेरे, बहुत सच्चे हैं इस मामले में, कोई हमदर्दी नहीं, नो मर्सी। ओके लेट्स स्टार्ट। बेबी को और बच्चा सो गया, फैसल ने आवाज दी कि उन्होंने कीनू को सुला दिया है, बेस्ट न्यूज एवर, बच्चा नैप कर रहा है, इसका मतलब है। आइए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जी क्या कहना चाहती? मैं कहना चाहती हूँ आपको, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, दुर की माँ बोले तने प्रेम करो, कहते हैं हम इतना के भारतवासी और पंजाबी भी कहते हैं तेरे बिन मर जाना, प्यार हेलो सर, हेलो हमें जाना भी है आज, इसके साथ हमें जाना भी है। थैंक यू फैसल, आपने मुझे बेस्ट तोहफा दिया आज का, के बच्चे को सुला दिया, नैप टाइम हो गया, बेहतरीन। चले जब हम शुरू कर रहे हैं, ये मैंने डाला, मुझे तकरीबन दो जो है इसके बॉटल्स चाहिए। Instead of using the other coloring brush या जो ब्लीच ब्रश होता है, मैं टूथब्रश यूज करती हूँ। इतना अच्छा इससे एप्लीकेशन होती है, अच्छी जबरदस्त, स्पेशली एजेस पे, या अगर आप ग्रे हेयर की कवरेज चाह रहे हैं तो यू मस्ट यूज अ नाइस ओल्ड ब्रश। टूथब्रश होते हैं हमारे घर में फालतू पड़े होते हैं, इसको साइड पे कर लें ओनली फॉर दिस पर्पज। ये मैंने फैसल से टिप्स ली थी। अच्छी तरह मिक्स करें और फिर फौरन यूज करें, बिकॉज वंस यू मिक्स इट तो केमिकल इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। आई विल डू वेयर द ग्लव्स नाउ। क्या होता है पीछे के बाल रह जाते हैं। फैसल आप मेरी हेल्प करेंगे, प्लीज आ जाएं। जब बालों में कलर लगाएंगे आप हेयर ब्रश ले लें जिसका कलर खराब भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, उससे आपने इसको जरूर ब्रश करें ताकि कलर जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दिस इज द बेस्ट वे। प्लीज आए जरा हेलो हैंडसम। अच्छा यहाँ मैं ऊपर जो है ना पहले लगा रही हूँ, ये ज्यादा नजर आते हैं, आई वॉन्ट मोर कलर हेयर, तो थोड़ा मैं यहाँ पहले लगा रही हूँ। जबरदस्त एप्लीकेशन हो रही है बाय यूजिंग टूथब्रश। एक्स्ट्रा वेस्ट भी नहीं हो रहा और बड़ा इवनली लग रहा है इसमें। 30 मिनट्स की एप्लीकेशन करनी है। ये ना कि आप कलर शुरू कर दें, बीच में आपको काम याद आ जाता है, बच्चों ने बुला लिया, गड़बड़ हो जाएगी कि आधे सर पे कलर लगा हुआ है, आधे पे नहीं लगा हुआ, और आपकी टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो मेक श्योर जब आपके पास कम्प्लीटली फ्री 30 मिनट्स हैं, बल्कि एप्लीकेशन का टाइम लगा के 1 आवर है, तभी ये काम करना है। बच्चों को सुला के मियां को भगा, हाँ बड़ा ब्रश, हाँ इसी से वो नहीं है दांत वाला, दूसरा आपका। काम नहीं ये है
जब आप घर में कलर करते हैं प्रॉब्लम ये कि गलत शेड आप चूज करके ले आए, जो लिखा होता है, जो दिखाया होता है सामने, पिक्चर होती है, समटाइम वो आपके बालों पे मैच नहीं करती, तो ये आप बॉक्स में देखा करें। गुड टिप, इसकी बैक पे अब ये देखें, ये बताएगा आपको अगर आपके बाल इतने लाइट हैं तो आपका ये कलर आएगा, अगर इस तरह का शेड है तो ये आएगा। मेरे कुछ इस तरह के अगर ऑरेंजिश के बाल हैं तो मेरे ऐसे हो जाएंगे, डार्क बाल हैं तो ये शेड आएगा। तो हमेशा हर कलर पैकिंग के पीछे देखें कि ये कलर लगाने से आपके बालों पे, अगर ब्राउन है, लाइट है, तो आपके बालों पे कैसे आएगा कलर। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके बालों पे कलर कैसा आएगा। अगर नहीं हुआ, सही आ रहा है, तो उसी वक्त कोई और कलर ऐड कर देते हैं, आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। तो आई प्रेफर इस तरह से, तो सैलून अच्छा है, बट अगर टाइम नहीं है और पैसे नहीं है और आपका बजट ही इतना है तो नो प्रॉब्लम, देन फाइंड आउट द राइट शेड एंड स्टिक टू इट। फाइंड आउट द राइट हस्बैंड, हस्बैंड ना, हस्बैंड सही होना चाहिए, कलर खुद ही सही आ जाएगा। तो फिर लास्ट टाइम क्यों खराब हुआ? देखिए वास्तव में मुझे एक ब्रश चाहिए जो बहुत ही खुला हो। अच्छा, अभी हम एक और, क्योंकि ये बहुत कम कलर है, एक और भी बॉटल है मेरे पास। वैसे आप कर रहे हैं तो सब गीला है, सूखा है यहाँ से। जी जी, मैं इधर कर रहा हूँ, पहुंचे ही नहीं जहाँ तक आप पहुंचेंगे। इधर मुझे दें, ये मुझे दें, यहाँ पे तो पहुंचा ही नहीं। और दूं शेड और कलर दूं? अभी तो बेहतरीन कलर के लिए जरूरी है आपके पास इतना प्यारा पार्टनर हो। नहीं नहीं, बच्चों से हेल्प लें, मियाँ से हेल्प लें, किसी से फ्रेंड से हेल्प ले लें, बेहतर है। लेकिन स्टिल अगर कोई भी नहीं है तो आप खुद कर सकते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है, आप हो ही सकता है, लेकिन यू विल मिस आई थिंक सम पार्ट्स, मुश्किल हो जाता है उसमें। मैं बेस्ट जो आपको टिप दी है वो ये कि आप ब्रश को जरूर यूज करें, क्योंकि ब्रश से वो कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेरे पास तरीका है, उसके लिए कंघी जरूरी होती है, कंघी से बाल टूटेंगे, ब्रश नहीं जिससे बाल ना टूटे। और अभी आई होप ये जो मेरा ऑरेंज गंदा आया हुआ है ना बालों में, सारे गंदे हैं, बहुत ही अच्छा। उसमें मैं कलर क्रीम को इस तरह ब्लेम नहीं कर रही, मे बी मैंने कलर शेड गलत यूज किया है और मेरे बालों पे शायद वो ऐसे आया है। अच्छा, मेरा एक बॉक्स यूज हो गया, मैं दूसरा यूज कर रही हूँ सेम शेड। ये ना गलती से कभी कोई आप दो अलग अलग ले आए फिर उसको मिक्स करें, ऐसे नहीं करना भाई। ड्यूरिंग एप्लीकेशन बेहतर है मास्क पहन लें, क्योंकि मैं बोल रही थी तो मैं इसलिए मास्क नहीं मैंने पहना, कैसे भी बोल रहे हैं। इसको जब आप डिस्कार्ड करें ना बॉटल्स को, तो आपने बच्चों के कमरों में अपने में जो डस्टबिन खुली होती है उसमें नहीं फेंकना, इसको बाहर फेंकें, एक ही दफ़ा बैग में डाल के, क्योंकि उसके अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं, केमिकल्स हैं ये। सो मेक श्योर कि यू थ्रो देम प्रॉपरली। अब 30 मिनट्स में इसको लगा के इसको वेट करूँगी, टीवी देख लें, इसको ऊपर क्लिप से क्लिप करके ये पहने रहें ताकि कहीं कलर ना लगे। स्टे अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, स्टे अवे फ्रॉम फूड आइटम्स, और फिर 30 मिनट्स के बाद एक्जैक्टली इसको मैं वॉश करूंगी, ऊपर शैम्पू नहीं लगाऊंगी, शैम्पू मत लगाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज बताइए, स्किन पे लगती है कि नहीं लगती है कलर इसकी जो है? क्या मतलब आपकी फेस पे स्किन पे कलर ना लगे तो बेहतर है कि पहले आप पेट्रोलियम जेली लगा लें उस जगह पे, बालों के पास, फोरहेड पे, कान पे, ताकि वहाँ कलर ना लगे। तो पहले पेट्रोलियम जेली, उसके बाद आप फिर कलर करें। अच्छा, मजे की बात है, बालों में थिकनेस भी आ गई है, शाइन भी आ गई है, टेक्सचर बहुत मजे का हो गया। मैंने आयरन नहीं यूज की, मैंने सिर्फ ब्लो ड्राई किए, सो इट्स नाइस। मेरे फाइन एंड कर्ली बाल हैं इसलिए उनको ब्लो ड्राई चाहिए ही चाहिए होता है। सो इट इज स्टिल लाइट बट मोर टुवर्ड्स द एश साइड। हमें एश फैमिली में रहना है, हमें ऑरेंज में नहीं आना, और मैं जो भी कलर करूँ मुझे पता है कि कुछ वीक्स के बाद वो ऑरेंज ही चला जाता है, ऑरेंज ही हो जाता है, चाहे आप सैलून से कराएं, चाहे आप कलर कराएं घर में, लेकिन आपको फिर उसकी ऑरेंज टिंच को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, कि बाल बहुत बुरे लगते हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए आप सैलून जा सकते हैं फॉर अ टच अप, फॉर ग्लॉसिंग। मूवी पागल हो गया, तो आप ग्लॉसिंग कराने, हेयर टचअप कराने सैलून भी जा सकते हैं या फिर घर पे कर सकते हैं। और कॉस्ट मैंने आपको बता दी है 550 रुपए ओनली। रिवाइंड करके लेके चलती है हर उस लाइट में जहां हमने बालों का पहले कलर चेक किया था और अब उसको हम उससे कंपेयर करते हैं। हियर इज द कंपैरिजन। इसी लाइट में, इसी जगह हमने कलर से पहले भी पिक्चर्स बनाई, वीडियो ली। अब चलते हैं बाहर।
सनलाइट में भी देख लेते हैं। एंड ऑनेस्टली कोई स्ट्रेटनिंग आयरन मैंने नहीं यूज़ की है। बाल इतने अच्छे लग रहे हैं आफ्टर आई कलर्ड माई हेयर एट होम यूजिंग दिस एंड ओनली फॉर 550 रुपीज। कमाल हो गया। सो दिस इज द सनलाइट लुक। ये नेचुरल सनलाइट में आप बाल चेक करें, कहीं ऑरेंज टच नहीं है, ऑरेंज कहीं भी ऑरेंज टिंट नहीं आ रही। बाल चेक करें, मुझे अच्छा लगता है कि बाल डार्क लगे विद एशी टोन्स, नॉट ऑरेंज टोन्स। एंड फैसल इज गोना लव इट। मैं भी रिएक्शन भी आपको दिखाती हूँ कि फैसल को लास्ट में जो बाल कलर किए जहर लग रहे थे, क्या नहीं कहा उन्होंने मुझे, कह रहे दिल तोड़ दिया तुमने मेरा ना दिया, किस किस्म के बाल हैं, आई डोंट लाइक दैट कलर। तो नाउ आई नो एग्जैक्टली मेरा शेड क्या है। वंस यू फाइंड आउट एंड स्टिक टू दैट ब्रांड एंड स्टिक टू दैट शेड, अनलेस कि आपको कोई ड्रास्टिक चेंज चाहिए तब आप एक्सपेरिमेंट करें। बट ऑनेस्टली दिस शेड जो गार्नियर का मैंने यूज़ किया है इज़ फंटेस्टिक इफ यू हैव ब्राउन हेयर और वो ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं कलर के बाद एंड यू वॉन्ट दैट ब्राउन एशी टोन्स बैक। अब हम चलते हैं शेड पे, क्योंकि हमने शेड में भी कलर कंपैरिजन किया था कि अब सनलाइट डायरेक्ट ना आ रही हो तो फिर कैसा लगता है। एंड अच्छा, यहाँ हमें वो परफेक्ट शेड मिल गया, नॉट डायरेक्ट सनलाइट बट देर इज़ अ लॉट ऑफ नाइस डे लाइट। मैंने फैसल को कहा आंखें बंद करके आए, मैं उनको बाल दिखाऊंगी और देखते हैं उनको कितना सरप्राइज मिलता है, अच्छा अच्छा शॉक मिलता है या बुरा वाला। आर यू रेडी फैसल? आंखें बंद, आंखें बंद। फैसल आपको याद है मेरे बाल कैसे लग रहे थे पहले? कैसे थे मेरे बाल? बहुत ही पैथेटिक। क्यों? अजीब सा ऑरेंज सा कलर था। अच्छा, दरवाजा छोड़ देना, ये ना कि आपको झटका लगे जब आप मेरा कलर देखें। अच्छा सुने, मैंने बाल कलर किए हैं तो कुछ ज्यादा ही ऑरेंज हो गए। आप कैसे चाह रहे हैं आंखें खोले पहले बताएं? ना ना ना, सुने आप कैसे चाह रहे हैं मेरे बाल कैसे लगे? डार्क। अच्छा, किस तरह के डार्क? अच्छे रीजनेबल डार्क होते हैं। ब्लैक तो बहुत ही फेक लगते हैं। नहीं, ब्लैक नहीं, थोड़ा नेचुरल डार्क होना चाहिए, डार्क ब्राउन टाइप जैसे पहले थे। अच्छा, मैं अब आपको दिखा रही हूँ, अगर बुरे लगे तो आप मुझसे फिर भी प्यार करेंगे? नहीं। मैं बोल दूंगा सीधा। ओके ओके ओके। और आप अब आंखें खोल सकते हैं। शुक्र को थोड़े से रीजनेबल बाल आए। थोड़े? हां। तो सब्सक्राइब करें आउट स्टाइल को। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी, तो जरूर कमेंट से बताएं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बताएं आपको मेरे बाल कैसे लगे और आप क्या ये शेड यूज करेंगे? क्या आप ये शेड यूज करेंगे? मैं? हाँ। नहीं। तो ये रखे मेरे बाल, तुम इसे अच्छी अच्छी पिक्चर्स तो बनाए मेरी, फिर से वीडियो बना दें।